tareas, Maharashtra State Board Chapter Number 2nd, NPO. NPO को हम जानते हैं Not For Profit Organization के नाम से या फिर Not For Profit Concern के नाम से. दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है. ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट 15 मार्क का आता है और ये चैप्टर 12 मार्क का आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनल अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों. दोस्तों चैप्टर में हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा जो सम है, ये कंपलसरी में आता है, मतलब इसके साथ कोई ऑप्शंस नहीं आता है. ओके, तो आपको कंपलसरी करना होगा, इसलिए ध्यान से सीखिए. दोस्तों कहना चाहता हूं कि जो चीज आपको वीडियो में बता रहा हूं इन कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों. मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि पूरा कि आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग को इस एनपीओ करने में बहुत ही आसानी मिलेगी. दोस्तों फिर समय वेस्ट ना करते शुरू करते एनपीओ. दोस्तों हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं स्कूल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओस, क्लब्स, ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता. इनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना. किसके लिए? फॉर द सोसाइटी के लिए. ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के लिए, फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ प्रॉफिट कमाते हैं. क्यों इनकम कमाते हैं, किस लिए? क्योंकि इनके पास में भी बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, उन स्टाफ्स के पेमेंट करने के लिए, डे टू डे रिकरिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए इन्हें भी इनकम चाहिए रहता है, तो ये भी इनकम कमाते हैं. पर इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना फॉर दी सोसाइटी के लिए. दोस्तों जैसे ही आप प्रॉब्लम को हाथ में लेंगे तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम एज ढूंढना होता है, PCN. ये PCN कॉन्सेप्ट पर समझना होगा आपको. P for previous year, C for current year और N for next year. जब कोई भी प्रॉब्लम आप हाथ में लेंगे तो पहले आप वहां पे ईयर ढूंढिएगा कि कौन सा ईयर प्रीवियस ईयर है, कौन सा करेंट ईयर, कौन सा नेक्स्ट ईयर है. ठीक है दोस्तों, इसे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए मैंने 2019-2020 को हमने लिया प्रीवियस ईयर, तो 2020 से 2021 जो है ये हमारा जो करेंट ईयर और 2021 से 2022 हमारा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. प्रॉब्लम में जब आप देखेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा. रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो भी ईयर दिया रहेगा वो हमारा करेंट ईयर होता है, उसके बेस पर तय कर लीजिएगा कि क्या प्रीवियस ईयर होगा और क्या नेक्स्ट ईयर होगा. दोस्तों हम एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ इनकम्स की. तो इनकम के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चार यहाँ पे बता रहा हूँ, चार यहाँ पे इनकम के लिए मैं आप चार टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको प्रॉब्लम में एज यूजुअल मिलते रहते हैं. दोस्तों हम देखते हैं पहला टॉपिक दिया है आउटस्टैंडिंग इनकम इन प्रीवियस ईयर. अगर आपको मिलेगा कि कभी भी आउटस्टैंडिंग इनकम दिया है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में इनकम आउटस्टैंडिंग था. ठीक है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग इनकम था, बट वो इनकम अगर आपको करंट ईयर में मिला होगा तो क्या ट्रीटमेंट करने का, तो आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म्स में. मैं लिखूंगा OPBS. OPBS का मतलब बताऊंगा आपको मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड, ऐसा लिख दूंगा मैं. अगर आपको CLBS में बताऊंगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट बताऊंगा या तो लाइबिलिटी बताऊंगा. I से बताऊंगा मैं इनकम और E से बताऊंगा मैं आपको एक्सपेंडिचर. ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पे करने जा रहा हूँ. जैसे बता के दिया आपको मैंने यहाँ पर कि अगर कभी भी प्रीवियस ईयर में मुझे इनकम आउटस्टैंडिंग मिला ओपनिंग बैलेंस शीट के, वो मेरे एसेट्स में दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस के एसेट में दिखेगा पिछले साल में. बट इस साल अगर वो इनकम रिसीव्ड हुआ होगा तो इस साल जो क्या काम था, तो इस साल आपको इनकम में से सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, इस साल अगर इनकम में जोड़ के दिया हुआ है तो आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा. दोस्तों आउटस्टैंडिंग इनकम इन करेंट ईयर की बात करते हैं. करेंट ईयर में कभी भी आउटस्टैंडिंग इनकम अगर मिलना बाकी है तो वो हमारे पास दो पोस्टिंग में जाएगा. पहले तो करेंट ईयर में है मिलना बाकी है तो हम लिखेंगे CLBS एक आइटम बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के हम एसेट में लिखेंगे, और चूंकि मिलना बाकी है तो इनकम हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि करेंट ईयर में मिलना बाकी है. ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अब यहाँ पे एडवांस इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर क्या था. एडवांस पिछले साल में हमको एडवांस इनकम मिला था. जब एडवांस इनकम मिलेगा दोस्तों तो पिछले साल के बैलेंस में दिखेगा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखेगा. ठीक है, पिछले साल में एडवांस मिला था फॉर करेंट ईयर के लिए, इस साल के इनकम में ऐड होगा, तो इस साल इनकम में उसको ऐड करेंगे. ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन करेंट ईयर, करेंट ईयर में एडवांस होगा दोस्तों, करेंट ईयर में एडवांस इनकम मिलेगा, तो एडवांस इनकम क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो सीएल बीएस एल के आइटम में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। चूंकि एडवांस इनकम मिला हमको नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये हमारे इस साल के इनकम में से हमें सबट्रैक्ट करना होगा। ओके दोस्तों, तो आपने चार कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इनकम इन प्रीवियस ईयर, तो एंट्री होगी ओपी बीएस से और लेस फ्रॉम इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इन करेंट ईयर, तो सीएल बीएस ए एड टू इनकम, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, तो जाएगा ओपी बीएस एल में और एड टू इनकम, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन द करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो सीएल बीएस एल में जाएगा और लेस फ्रॉम इनकम होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों ने भी देखा था इनकम के बारे में, अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। दोस्तों अगर आपको दिया हुआ एग्जाम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस देना बाकी था, तो उसका इफेक्ट गया होगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, जब कभी एक्सपेंस देना बाकी होता है तो हमारा लायबिलिटी होता है, तो वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। और दूसरा फिर जाएगा यहाँ पे, अगर उसका पेमेंट, अगर वो आपसे प्रीवियस ईयर का था और उसका पेमेंट करंट ईयर में दिया होगा, तो इस साल हम एक्सपेंस में से लेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड आइटम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन करंट ईयर, करंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है मतलब करंट ईयर में एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो इसका फिर जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, करंट ईयर का लायबिलिटी है, दूसरा क्या करना पड़ेगा हमको, एक्सपेंडिचर में ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे एक्सपेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर। दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर में प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे किया था करेंट ईयर के लिए, तो प्रीवियस ईयर जब प्रीपेड एक्सपेंस पे किया था तो प्रीवियस ईयर के लिए मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए वो हमारा एसेट था। ठीक है दोस्तों, पर पे किसने किए थे, करेंट ईयर के लिए पे किए थे, तो इस साल हम एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। हमने प्रीपेड एक्सपेंस पे किया करेंट ईयर में, पर पे किया किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया, तो इस साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो दिखेगा हमारे एसेट्स में। इस साल के एक्सपेंस हम उनको लेस करेंगे, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। दोस्तों वापस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ एक्सपेंस में चार कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, दो आउटस्टैंडिंग और दो प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर होगा तो ओपनिंग बैलेंस की लायबिलिटी में लिखिएगा और लेस फ्रॉम एक्सपेंस कीजिएगा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन करेंट ईयर में, तो आप क्लोजिंग बैलेंस की लायबिलिटी में लिखिएगा और एड टू एक्सपेंस कीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर होगा फॉर करेंट ईयर के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे मिला होगा और इस साल के एक्सपेंस हम ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंस इन करेंट ईयर है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम क्लोजिंग बैलेंस कैसे में लिखेंगे और इस साल के एक्सपेंस हम लेस कर देंगे। दोस्तों आपने देखा एक्सपेंस कॉलम, और हम देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। ना दोस्तों हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जब एनपीओ का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इन अ क्वेश्चन इन अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज नथिंग बट अ कैश बुक। आपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक पढ़ा दोस्तों, तो ये कैश बुक ही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड का जो आइटम है उसे बोलते हैं रिसिप्ट, और क्रेडिट का जो आइटम से बोलते हैं पेमेंट। ये हमारा होता है रियल अकाउंट दोस्तों, और रियल अकाउंट का रूल जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपका पैसा आएगा वो रिसिप्ट में लिखेंगे, और जो पर्पस के पैसा जाएगा वो हम पेमेंट में लिखेंगे, और साथ ही साथ में आपको यहाँ दिया रहेगा अदर इन्फॉर्मेशन के हेल्प से और रिसिप्ट पेमेंट के हेल्प से आपको बनाना होगा आगे जाके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों आपको प्रॉब्लम में बेसिकली रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है और अदर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, पर किसी किसी प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट भी देता है। दोस्तों आपने देखा अभी कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज दे सकता है, देता है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, अदर इन्फॉर्मेशन, कभी कभी देता है ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिया रहता है, या तो इसके अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड किया रहता है। दोस्तों की जो आप मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ रिसीप्ट और पेमेंट साइड के आइटम कहाँ जाते हैं, यहाँ के जो भी आइटम होंगे वो तीन जगह जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और पेमेंट साइड के आइटम भी कहाँ जाएंगे, तीन जगह जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, मतलब इनके आइटम तीन जगह ही रहते हैं,
इनके बेटा तीन जगह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ का आइटम जो होता है वो जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, यहाँ का आइटम होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट का आइटम होता है, या फिर वो इनकम का आइटम होता है, या फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ के जो भी आइटम्स होंगे रिसिप्ट साइड के, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, या तो इनकम में जाएंगे, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। हम बात करते हैं पेमेंट साइड की, तो पेमेंट साइड के आइटम तीन जगह जाते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा आइटम, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा दोस्तों, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट का आइटम होगा। तो यहाँ पेमेंट साइड के जो भी आइटम्स होंगे वो तीन जगह जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी आइटम हो सकता है, या तो एक्सपेंडिचर आइटम हो सकता है, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट आइटम हो सकता है। दोस्तों जब मैं प्रॉब्लम लूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लूंगा, तो आपको बता के दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पे जो भी रिसिप्ट आइटम है वो कहाँ जा रहे हैं और पेमेंट आइटम कहाँ जा रहे हैं, आपको डिटेल में बता के दूंगा। अभी आपको बेसिक रूप में जो बता रहा हूँ एक शॉर्ट में, वो सीखते चले। दोस्तों हमने देखा कि प्रॉब्लम में क्या क्या चीज दिए रहते हैं, अब हमें देखना होगा कि सोल्यूशन में क्या करना होता है। हमें इस एनपीओ के लिए सोल्यूशन में बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सोलेंस, जो भी डेट दिया होगा। डेबिट साइड का आइटम कहलाता है एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड का आइटम कहलाता है इनकम। जो भी रिसीव साइड के आइटम होते हैं रिसीव पेमेंट अकाउंट में, जो भी रिसीव के आइटम होते हैं वो जाते हैं इनकम में, और जो पेमेंट साइड के आइटम होते हैं वो जाते हैं एक्सपेंडिचर में। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारे लॉसेस होंगे, वो सब हमारे एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। और वैसे ही क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जितने भी इनकम होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होगा, वो सब हमारा इनकम साइड में आएगा। ओके दोस्तों, बनाना होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है दोस्तों। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पता है, आपको बताना मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइबिलिटी होता है और यहाँ पे एसेट्स होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एस ऑन लिखते हैं, फिर डेट डाल देते हैं। यहाँ डेबिट और क्रेडिट भूल से मत लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कंपल्सरी होता है, क्योंकि ये अकाउंट होता है। ओके दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है, कैपिटल फंड नहीं दिया होता है, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट करके वहां बनाना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। ओपनिंग बजट बना के आपको पता करना होता है कि क्या कैपिटल फंड है। ये कैपिटल फंड आपको निकालना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये भी आपको वर्किंग नोट रूप में इस सॉल्यूशन में आ सकता है। नॉर्मली क्या होता है, दो चीज पूछता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। पर जब कैपिटल फंड आपको नहीं दिया इंफॉर्मेशन में, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। दोस्तों आपने भी देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज दिया होगा और हमें आंसर में क्या क्या करना होता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ दी एनपीओ। एनपीओ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए होंगे, वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला आइटम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों, ये सबसे मेन इनकम होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मेन इनकम सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन जो है हमें मिलता है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड मिलता है, और हमें आंसर में पोस्टिंग करना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक है दोस्तों, हम सेकंड आइटम पढ़ते हैं एंट्रेंस फीस। दोस्तों एंट्रेंस फीस जो है, दोस्तों ये क्या होता है, एक एडमिशन फीस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई जुड़ता है, जब किसी भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, तो हम लोग एंट्रेंस फी पे करते हैं। और एंट्रेंस फी जो होता है दोस्तों, ये दो रीजन का हो सकता है। अगर प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, अगर रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप उसे लिखिएगा इनकम में। अगर नहीं दिया है, तो आप उसे ट्रीट कीजिएगा कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट में। ये दोनों से होता है दोस्तों, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में जैसा दिया हो वैसा कीजिएगा दोस्तों। एंट्रेंस फीस मिलता है आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। इसे पोस्ट करना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ओके दोस्तों, या फिर हमें इसे पोस्ट करना होता है लायबिलिटी साइड में, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम।
और देखते हैं तो लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फीस दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं दोस्तों जो ईयरली क्वार्टरली मंथली पेमेंट करते हैं, पर कुछ एकाध ऐसे मेंबर होते हैं जो पूरे जीवन भर का जो भी पेमेंट होता है लाइव मेंबरशिप फीस से एक साथ पे कर देते हैं और वो बन जाते हैं लाइव भर के लिए मेंबरशिप ले लेते हैं किसी भी एनजीओ का, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों। तो क्या होता है कि वो हमारा बन जाता है कैपिटल रिसीप्ट, इसे कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर में नहीं होता, ये बार बार नहीं मिलता दोस्तों, ये कभी कभार मिल जाता है, बट प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहां जाए दोस्तों। ये आइटम दिखता है आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में और उसकी पोस्टिंग करनी हो सकती है हमको, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में कहां दिया है। अगर रेवेन्यू नेचर में दिया होता है एक्चुअली वो तो कैपिटल रिसीप्ट होता है तो जाता है लायबिलिटी में, पर प्रॉब्लम कभी कभार ऐसे देता है कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। अगर रेवेन्यू लिख दिया हो दोस्तों तो वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में या फिर इधर वो जाएगा लायबिलिटी में और कैपिटल में ऐड होगा। ओके दोस्तों, हम बात करें लीगेसी की, तो लीगेसी क्या होता है दोस्तों, पहले लीगेसी समझते हैं। कोई भी पर्सन अगर मान लो अपनी वसीयत बना दिया है कि मेरे मरने के बाद में जितना भी मेरी प्रॉपर्टी है इस एनजीओ को दे दी जाए या इस नॉन प्रोफेशनल को दे दी जाए, तो ऐसे बिल को हम कहते हैं लीगेसी। लीगेसी दो टाइप का हो सकता है दोस्तों, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। लीगेसी जनरल दिया हुआ है मतलब रेवेन्यू दिया हुआ है तो उसे हम पोस्ट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, ठीक है दोस्तों। पर अगर वो स्पेसिफिक दिया तो वो जाता है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी चले जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम डोनेशन की बात करें, डोनेशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। अगर जनरल डोनेशन दिया हुआ है तो वो एज यूजुअल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, और अगर वो स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वो जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सेल ऑफ एसेट्स। अब सेल ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि हम जब एसेट को बेचते हैं तो जितने का हम एसेट बेच दिए हैं तो हम एसेट में से वो लेस करते हैं, लेस फ्रॉम एसेट्स, हम एसेट में से अमाउंट को कम कर देंगे, और एसेट बेचने के बाद में जब एक प्रॉफिट होता है तो हम उसे ऐड करते हैं इनकम में, ठीक है। पर ये कोई लॉस होता है तो हम उसे ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर में। ओके दोस्तों, मतलब उसकी पोस्टिंग भेजेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। अब देखते हैं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है दोस्तों, होता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये ऑनर है दोस्तों। उससे क्या होता है, जैसे बात करते हैं सर्विस मोटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी गेस्ट को बुलाते रहते हैं और वो गेस्ट आके लेक्चर्स लेते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो उनके सम्मान में जो हम पेमेंट देते हैं उस पेमेंट कहते हैं हम लोग ऑनरेरियम। और जो ऑनरेरियम जो है वो हमारे लिए क्या बेसिकली होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर के वो डेबिट साइड में जाता है। ओके दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस बनता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। ये जो वीडियो था ये जस्ट एक बेसिक लेक्चर था दोस्तों, इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरे प्रॉब्लम्स को लेते हुए आपको सॉल्व करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ जाएगा। फिलहाल ये वीडियो को समझ में आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो के। दोस्तों अपना प्यार बना रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।